इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ये तस्वीरें हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन की, जहां जोधपुर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार वैभव गहलोत के स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं हजारों की इस भीड़ में एक और चेहरा भी शामिल था, और ये चेहरा था हिमांशी गहलोत, जो कि वैभव गहलोत की पत्नी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुत्रवधु हैं, जो कि खुद एक कार्यकर्ता की तरह अपनी बेटी के साथ वैभव गहलोत का स्वागत करने पहुंची थीं। एक तरफ जहां वैभव गहलोत को चुनाव प्रचार में जहां सीएम का बेटा होने का फायदा मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वैभव गहलोत के प्रचार की कमान खुद उनकी पत्नी हिमांशी गहलोत ने संभाल रखी है, जिन्होंने वैभव गहलोत के जोधपुर पहुंचने से कई दिन पहले से ही अपने पति को जिताने के लिए प्रचार अभियान छेड़ दिया था। इससे पहले वो विधानसभा चुनाव में भी अपने ससुर अशोक गहलोत के लिए चुनाव प्रचार कर चुकी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सीनियर लीडर्स का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सभी सीनियर लीडर्स का, सभी और मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सब यहां पधारे, मुझे जो आशीर्वाद और जो समर्थन और जो प्यार दिया है उसके लिए मैं अभिभूत हूं, और मैं निश्चित तौर पे आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार से जरूर जबरदस्त हासिल करूंगा। थैंक यू। आपको बता दें कि ये अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का पहला चुनाव है। जोधपुर उनका गृह जिला है। यहाँ गहलोत का मुकाबला केंद्रीय मंत्री और मारवाड़ के बड़े राजपूत नेता गजेंद्र सिंह शेखावत से है। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।